अब रानी पोखरी पंचायत के ग्रामीणों को पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र को देखते हुए जल्द ही ग्रामीणों को प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इसका सर्वे जल्द ही शुरू होने वाला है। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने ऋषिकेश में जिलाधिकारी के सामने ये समस्या उठाई थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे, जिसमें अब नाबार्ड की ओर से करोड़ों की योजना स्वीकृत हो गई है और अब शहर की तरह गाँव में भी ये योजना बनाई जा रही है, जिसके लिए जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस समस्या का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए, जिसमें जल्द ही एक महीने के अंदर ट्यूबवेल का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा और टैंक भी बनाए जाएंगे, जिससे रानी पोखरी के हजारों ग्रामीणों को इसका लाभ मिल सकेगा। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। अभी मैं पिछले शुक्रवार को जो है देहरादून जिलाधिकारी के द्वारा जिसके तहसील में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया था, तो वहाँ पर मैंने संज्ञान इस मामले को उठाया था, तो जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने तुरंत इसको संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से वार्ता की है। तो उसमें उन्होंने बताया कि नाबार्ड से रानी पोखरी की योजना, पेयजल की योजना को प्रस्तावित कर दिया गया है और बहुत जल्दी इस धरातल पर ये काम शुरू होने जा रहा है। और जो रानी पोखरी का जो सर्वे अभी तुरंत होने जा रहा है, आजकल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें जो है शहरीकरण जैसी सुविधाएं मिलनी है कि 135 लीटर प्रत्येक पर हेड पर आदमी के हिसाब से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। उसी में जानवरों के लिए भी पानी की सुविधा को देखते हुए इस पर जो है कार्य किया जाएगा। और इसमें जल्दी यहाँ पर दो ट्यूबवेल का प्रस्तावित है और जिसमें कहा गया है कि एक ट्यूबवेल तो तुरंत ही इसको एक ही महीने के अंदर अंदर कार्य शुरू करा जाएगा और कुछ टैंक भी बनाए जाएंगे। और कहा कि मान्य जिलाधिकारी के को संज्ञान दिया है कि अधिकारी के द्वारा कि इस पर जो है वहाँ के प्रधान जी के द्वारा 2020-21 से लगातार प्रयास किया जा रहा था पेयजल की समस्या के लिए, और वहाँ पर समस्या वास्तव में गंभीर होती जा रही है क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो अब बहुत जल्दी इसको जो है पेयजल की समस्या का जल्दी समाधान होने जा रहा है।